चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बन रहा है दुर्लभ शुभ योग, जाने पूजा समय और घट स्थापना समय। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष दो नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरा शारदीय मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जिसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। बता दें, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर अत्यंत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर पधारेंगी। बता दें, हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त, घट स्थापना समय और शुभ संयोग। हिंदू पंचांग में बताया गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 21 मार्च 2023 सुबह 10:02 पर होगा और इसका समापन 22 मार्च 2023 रात्रि 8:20 पर हो जाएगा। ऐसे में घट स्थापना 22 मार्च 2023 को किया जाएगा। इस घट स्थापना मुहूर्त 6:29 से सुबह 7:39 तक है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। उनके अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्म योग 22 मार्च को सुबह 9:18 से 23 मार्च सुबह 6:16 तक रहेगा और शुक्ल योग 21 मार्च को रात्रि 12:42 से अगले दिन सुबह 9:18 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से साधक को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना के लिए साधक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए और कलश की स्थापना ईशान कोण में करनी चाहिए। धन्यवाद।